मुझे याद है कुलदीप यादव हालांकि स्पिनर था बट मेरे साथ होता था, वसीम भाई ये बताएं ये बताएं। शामी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आता था, ये भी मेरे साथ शाम को बैठते थे, चाय पीते थे, गप लगाते थे। वो उर्दू का एक एग्जाम्पल है, प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। एक और खिलाड़ी है जिसमें जिनके साथ आपने काफी काम किया केकेआर में, जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट, आपको क्या लगता है उन्हें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेइंग 11 में शामिल करना चाहिए? अदर जो बाकी चार पेसर्स हैं वो है शामी, सिराज, उमेश और शार्दुल, उनकी जगह आप देखते हैं? ये देखना चाहो आप, वो स्टेज पे आ गया जहाँ के वो उसको रेगुलर खेलना चाहिए। देखें उसकी परफॉर्मेंस, देखें फर्स्ट क्लास में आती है उसकी टीम, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन उन्होंने फर्स्ट क्लास भी जीती है, ट्रॉफी आपकी रांची ट्रॉफी जिसे कहते हैं वो भी जीती है। सो कप्तान था वो इफ आई रिमेम्बर, जो मैंने देखा था। देखें ये अब वो लड़का, मैं उसको जानता हूँ जब वो 18 साल का आया था मेरे साथ और बहुत कीन था और वेरी नाइस बॉय, हम्बल बॉय, वॉन्टेड टू लर्न। लाइक शामी मुझे एयरपोर्ट से पिक करने आता था, ये भी मेरे साथ शाम को बैठते थे, चाय पीते थे, गप लगाते थे कि सीखना, और सीखा वो। और मैं इतना खुश होता हूँ इन लड़कों को जो मेरे साथ रहे और परफॉर्मेंस करते हैं, देख के छोटे छोटे आए थे अब ये मैन बन चुके हैं और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इनके नाम का डंका बज रहा है। आई वुड लाइक टू सी हिम टू प्ले फॉर इंडिया, और इंग्लैंड में ये कामयाब हो गए, स्विंग करता है बॉल स्पेशली ओवल की विकेट पे और उस मौसम में। 2017 में जब ये पुणे की तरफ से खेलते थे तो इन्होंने, ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे और अपनी परफॉर्मेंस के लिए आपको इन्होंने क्रेडिट दिया था। हाँ मुझे याद है, मैंने वो उसका इंटरव्यू देखा था, मैंने सब देखा था। देखें अब ये बच्चे चाहे वो इंडिया से हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, वो मेरे लिए तो बच्चे ही हैं ना सारे यंगस्टर। जो मैं कर चुका हूँ, जो मैं सिखा सकता हूँ, इनको सिखाया मैंने और पूरा टाइम दिया और इन्जॉय किया इनके साथ, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, इनकी रिस्पेक्ट एक दूसरे की। इट वॉज गुड टाइम्स। आई डू मिस ऑल द बॉयज आई वर्क्ड विद। मुझे याद है कुलदीप यादव हालांकि स्पिनर था बट मेरे साथ होता था, वसीम भाई ये बताएं ये बताएं। तो मुझे वो लड़के पसंद हैं जनरली जो क्वेश्चन पूछे। वो उर्दू का एक एग्जाम्पल है कि जो प्यासा है वो कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो वो शर्म वरम छोड़ो, हम भी बच्चे थे, सबसे क्वेश्चन पूछते थे। जब मिलो मेरे जैसे प्लेयर को, इंडियन ग्रेट को मिलो, मुझसे क्वेश्चन पूछो, माइंडसेट के क्वेश्चन पूछो, ये लड़के पूछते थे और इसीलिए ऐसे बहुत सक्सेसफुल है। और इन यंग सब बॉलर्स को मेरी ये एडवाइस है कि बेटा कोशिश करो कि तुम लोग 4-day क्रिकेट पे भी कॉन्सेंट्रेट करो। T20 तो है साथ में चलता रहेगा, IPL चलता रहेगा, बट वो क्रिकेट जब खेलोगे उससे तुम्हारी पेस बढ़ेगी, बिकॉज लंबे स्पेल करोगे तो बॉडी स्ट्रांग होगी, इंजरी के चांसेस कम होंगे और आपकी पेस बढ़ेगी। ये शॉर्ट टर्म जो है ना कि मैंने सिर्फ T20 खेलना है, फिर वो आप एक दो सीजन ही खेल पाओगे फिर पकड़े जाओगे।